नमस्कार, खाना नामा में आपका स्वागत है। आज हम घर पे अचार का मसाला और अचार बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। इन मसालों से हम अचारी भिंडी और अचारी बैंगन और अचारी आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हम अचार का मसाला और आम का अचार बनाना आपको सिखाते हैं। अचार का मसाला बनाने के लिए हमें कुछ साबुत मसाले और कुछ पिसी हुई मसालों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से कि साबुत मसाला हमारा सौंफ, मेथी, कलौंजी और ये राई दाल है, हल्दी, पिसी हुई हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सरसों का तेल और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च, लौंग और हींग। इन सभी चीज़ों की अचार का मसाला बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, ये 4 टेबल स्पून सौंफ है। इसको बस 1 मिनट के लिए हमें रोस्ट करना है। अब हम मेथी डाल देंगे, ये 2 टेबल स्पून मेथी है। इसे भी हम मिक्स करके 1 सेकेंड के लिए बस हमें रोस्ट करना है। अब हम साथ में कलौंजी भी डाल देंगे और ये 8-10 हमारे पास लौंग है, इसको भी हम डाल देंगे और इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। अब हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्ची थोड़ा सा है, इसको भी हम डाल देंगे। गैस बंद करने के बाद ही हम डालेंगे, बस इसकी थोड़ी सी नमी निकल जाएगी। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून राई दाल डालेंगे, यानी कि पीली सरसों की दाल। हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून, हींग डालेंगे 1/2 चम्मच और ये लाल मिर्च पाउडर है करीब 4 चम्मच। अचार में मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है। ये हमारा पैन कढ़ाई गर्म नहीं, गैस को बंद कर दिया हमने। बस इन सभी मसालों को हमने इसलिए डाल दिया है कि एक बार ये सभी मसाले अच्छी तरीके से गर्म हो जाए और हमें पीसने में आसानी पड़े। अब हम इन सभी को पीस लेते हैं। अब हमारा मसाला है ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल करके इसको पीस लेंगे। इसको बहुत बारीक नहीं पीसना है, हमें दरदरा ही मसाला बनाना है। अब हम उसी पैन में 1 कटोरी तेल सरसों का तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जब तक इसमें धुआं ना उठने लगे तब तक हम इसको अच्छी तरीके से हम गर्म करेंगे। अब हमारा तेल ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और तेल को ठंडा होने देते हैं। अब हमने अचार के मसाले को पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल हमने इस तरीके से पीसा है, ये दरदरा है। अब हम इससे आम का अचार बनाएंगे। ये जितना मसाला है इससे हम 3 किलो आम का अचार बनाएंगे। ये 3 किलो आम है जिसको हमने काट करके धुल करके थोड़ा सा नमक लगा करके हमने इसको धूप में सुखा लिया था। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है। अब हम इसमें सभी मसालों को मिलाएंगे। अब हम इसमें ये अचार का मसाला को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे,
स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। वैसे अचार में नमक थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा लगता है। अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने तेल गरम किया था और तेल गरम करके हमने इसको ठंडा कर दिया था। अब हम इन मसालों में ये तेल भी मिला देंगे। फिर से हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने आम को बिल्कुल मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अगर इसमें तेल की ज्यादा और जरूरत है तो हम और भी डाल सकते हैं, बट हमें अभी तेल की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम इसको बिल्कुल सूखे हुए बर्नी में डालेंगे। एक बर्नी लेंगे और हम इसमें हमने अचार बना लिया और इसको बर्नी में भी डाल दिया है। अब हम इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रखेंगे और अगर हमें तेल की जरूरत और पड़ी तो हम इस तेल को गर्म करके ठंडा करके हम इसमें डाल सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा छोटी बर्नी में भी अचार रखा है। अब इसे भी हम दोनों को धूप में कपड़े बांध करके अच्छी तरीके से सुखाएंगे। ये 4-5 दिन में अचार हमारा खाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारी ये आम की रेसिपी, अचार बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।